भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। भारत माता की जय। अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, अमर है, अमर है। अमर शहीद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, राष्ट्रगान शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल चल तितरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 23 जून अमर शहीद स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान, यहाँ जब इस आंदोलन की अगुवाई करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर बिना परमिट के जब इस कठुआ में आए थे, यहीं से ही उस वक्त के हुक्मरानों ने उनको गिरफ्तार किया था। आज यहां हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के और समाज के देशभक्त कार्यकर्ताओं ने बहुत ऊंचा तिरंगा झंडा यहां फहराया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब को अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियां स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नक्शे कदम का अनुसरण करते हुए अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए और अपने तिरंगे झंडे के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। इस बीच की बात आती है तो आतंकवादी सिर्फ इंस्ट्रक्टर के वो हत्या कर दी गई है, क्या देख रहे हैं कश्मीर में, क्या बातचीत नहीं होने देना चाहते हैं? लगातार भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों ने कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है। लगातार आतंकवादियों संगठनों के बड़े सरगना सेना ने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कश्मीर घाटी में निपटा दिए हैं, ढेर कर दिए हैं। आतंकवादियों में और पाकिस्तानी समर्थकों में बौखलाहट है, डिस्पिरेशन है। कल रात जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार साहब, जो कि इंटेलिजेंस विंग में काम कर रहे थे, कश्मीर के नौगाम में जब अपने घर से नमाज अदा करने गए तो आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में छुपकर पीठ पर वार किया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज वीर सैनिक परवेज अहमद डार साहब ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पूरा देश श्री परवेज अहमद डार साहब, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज अधिकारी थे, उन्हें नमन करता है, उन्हें सलूट करता है। चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया करेंगे, कश्मीर घाटी को आतंक मुक्त बनाएंगे, कश्मीर घाटी से पाकिस्तान की मानसिकता को
सदा सदा के लिए समाप्त कर रहे हैं। सर गुप्कार गैंग जो है एक साल जेल रहने के बावजूद भी अब फिर पाकिस्तान का अलग जो है अल्पा रहा है, तो कहता है कि पाकिस्तान से बात करोगे तब। देखिए बंदूक और वार्ता कभी एक साथ नहीं चल सकती। अगर पाकिस्तान को बातचीत के लिए उसकी इच्छा है तो पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद करनी होंगी। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो पाकिस्तान को बंद करने पड़ेंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर हमेशा खून खराबा किया है, लहूलुहान किया है जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ने। इसलिए गोली और बोली ये कभी साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान जिस भाषा को समझता है हम पाकिस्तान को उसी भाषा में समझाएंगे। गोली का जवाब गोली से मिलेगा और बंदूक और बातचीत ये कभी एक साथ नहीं चल सकती। महबूबा कह रही है कि बातचीत करो, क्या करेंगे? बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं हो सकती। हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, इन तमाम हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे हिंदुस्तान के बहुत दोस्ताना संबंध हैं। एक पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान खुरापाती है और पाकिस्तान जब जब खुरापाती चाल करेगा तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में हम जवाब देते हैं। रैना साहब, इसलिए मीटिंग दिल्ली में रखी गई है। महबूबा मुफ्ती का कहना है 35 ए और 370 और नेताओं की रिहाई के ऊपर बात की जाएगी, इसके अलावा और कोई बात जो है हमारे एजेंडे में नहीं है। ये गुप्कार 300 धारा 370 और 35 ए अब इतिहास बन चुका है, ये दोबारा नहीं आ सकता। अगले 1000 जन्मों तक भी धारा 370 और 35 ए वापिस नहीं आ सकता। कयामत की सुबह तक धारा 370 और 35 ए नहीं आ सकता। ये समाप्त हो चुका है। ये